सो विच डिफरेंट रिएक्शन ऑफ फेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल हमने देखा है। फेनॉल की हम सारी रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे। फेनॉल, फेनॉल का जो फॉर्मूला है, दिस इज द विचरी बेंजीन रिंग और ये है फेनॉल। तो देखो मैं शॉर्ट में इसकी सारी रिएक्शंस को यहाँ पे लिखूंगा और आप भी लिखेंगे। दिस इज द फेनॉल और यहाँ पे है OH और इसके अंदर हम कौन सा रिएजेंट डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी क्या रिएक्शन होंगी। तो सबसे पहले फेनॉल को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, आफ्टर ट्रीटिंग फेनॉल विथ NaOH यू गेट द सोडियम फेनोक्साइड। दिस रिएक्शन इंडिकेट इट्स विच नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। दिस रिएक्शन इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। सेकेंडली फेनॉल के अंदर हम डालेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 यू गेट द मिक्सचर ऑफ O ब्रोमो फेनॉल एंड P ब्रोमो फेनॉल। O ब्रोमो फेनॉल एंड P ब्रोमो फेनॉल का हमें यहाँ पे मिलेगा मिक्सचर, O ब्रोमो फेनॉल प्लस P ब्रोमो फेनॉल प्लस टॉइस HBr प्लस। अगर हम इसके अंदर डालेंगे ब्रोमीन वाटर, हम डालेंगे ब्रोमीन वाटर। तो अब दिस इज द रिंग, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे ऐसा है, दिस इज द 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फेनॉल प्लस ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O और थ्राइस H2O जो भी मिलेगा, सॉरी जो भी है HBr ही मिलेगा इधर ही। उसके बाद हमने डाला है HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉरी डायल्यूट HNO3। जब हम इसमें डालेंगे डायल्यूट HNO3 तो यू विल गेट हियर द मिक्सचर ऑफ, यू विल गेट हियर द मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा किसका, O नाइट्रोफेनॉल प्लस P नाइट्रोफेनॉल। दिस इज द O नाइट्रोफेनॉल प्लस P नाइट्रोफेनॉल, यू विल गेट हियर द मिक्सचर ऑफ O नाइट्रोफेनॉल एंड P नाइट्रोफेनॉल प्लस टॉइस H2O। क्लियर है? सो यू विल गेट हियर द मिक्सचर ऑफ O नाइट्रोफेनॉल प्लस P नाइट्रोफेनॉल। उसके बाद फेनॉल के अंदर, उसके बाद फेनॉल के अंदर अगर हम क्या ऐड करते हैं, सो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दैट इज कॉल्ड अ नाइट्रिटी मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये नाइट्रिटिक मिक्सचर है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यू गेट 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। That 2,4,6 trinitrophenol is called nitrating mixture. 2,4,6 trinitrophenol is called picric acid. क्या कहते हैं हम इसको? Picric acid. ध्यान में रखेंगे 2,4,6 trinitrophenol. It is the picric acid. Phenol के अंदर अगर हम H2SO4 डालते हैं, H2SO4, तो वहाँ पे सल्फोनेशन होगा and after the sulfonation यू गेट O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और हाइयर टेम्परेचर पे अगर डालेंगे 373, कितना टेम्परेचर था, तो जब 373 केल्विन डालेंगे तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट H2O बनेगा। बट वेन यू एड हियर दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H, ठीक है, पैरा पोजीशन पे SO3H यहाँ पे लगेगा। एंड आफ्टर अटैचिंग दैट SO3H एट पैरा पोजीशन तो यू गेट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये H2SO4 है, तो ये H2SO4 डालने के बाद आपको मिलेगा वो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे 373 केल्विन पे इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद अगर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये दो रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन अभी हम कोल्ब्स रिएक्शन वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसमें
फिनॉल के अंदर अगर हम ऐड करते हैं सोडा CO2 हल्का, ठीक है, तो क्या एक CO2 है तो कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो यू आर गेटिंग देयर विच एसिड, सैलिसिलिक एसिड। बहुत सारे बच्चों का एक ही कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट नहीं बोल सकते, एक ही प्रॉब्लम होता है, एक ही मुसीबत होती है कि ये लर्न नहीं रहते, तो एक पेज में पूरी रिएक्शन आ रही कि आप बार बार रिविजन करो, यू गेट द सोल्यूशन ऑन दैट, ठीक है, इसकी बार बार रिविजन करो तो आपकी पूरी रिएक्शंस लर्न रहेंगी। सो इन दिस वे यू गेट द वो हाइड्रोक्सी बेंजीन, वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर वो रिएक्शन का नाम है कोल्ब्स रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है कोल्ब्स रिएक्शन, अगर हम इसी कोल्ब्स रिएक्शन में अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज द कोल्ब्स रिएक्शन वी हैव नाउ, आफ्टर हैविंग दिस कोल्ब्स रिएक्शन अभी हम यहाँ पे अगर किसको ऐड करते हैं, NaOH CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड HCl, रिमर टीमन रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सैलिसिलाल्डिहाइड, यू विल गेट द प्रोडक्ट हियर सैलिसिलाल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड वो एच यहाँ पे लगेगा, दैट इज द सैलिसिलाल्डिहाइड, क्लियर है। सो आफ्टर हैविंग दिस रिमर टीमन रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, और ये हमने अभी यहाँ पे देखा है, इसके साथ हमने कुछ रिएजेंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं, एच टू गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल, ये रिएजेंट हमने ऐड किया था, तो पूरे फेनॉल के अंदर की पूरे पाइबॉन्ड टूट गए थे, एंड यू गेट द साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या मिला था बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लियर है, यू गेट द साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें CrO3 वॉज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड किया था, आप चले जाएंगे नीचे नीचे, ठीक है, सो इसके अंदर हमने रिएजेंट ऐड किया था CrO3 और K2Cr2O7 जैसा रहता है Na2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसने उसका किया था बेंजो क्यूनोन, क्या बनाया था बच्चों, बेंजो क्यूनोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, बेंजो क्यूनोन, आफ्टर फॉर्मिंग दिस बेंजो क्यूनोन वी हैव सीन अगेन वन मोर रिएक्शन, जिंक डस्ट ऐड किया थी, जिंक डस्ट, आफ्टर एडिंग दिस जिंक डस्ट यू गेट द बेंजीन, ठीक है, बेंजीन मिला था। देखो अभी दिमाग पूछता भी नहीं है कि हाउ वी गेट एंड व्हाय वी गेट, डायरेक्टली पता होता है, लेकिन ये हम भूलना नहीं चाहिए, भूल गए तो फिर से पता नया से पता लगाना पड़ता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव दिस थ्री रिएक्शन, हियर यू आर गेटिंग दिस बेंजो क्यूनोन, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेंजीन बाय द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट, क्लियर है। तो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, तो यू गेट द वॉयलेट कलर, वॉयलेट और पर्पल कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये फेनॉल की अलग अलग टेस्ट हमने पढ़ी है, सो वी हैव दिस डिफरेंट टेस्ट ऑफ फेनॉल, यू गेट द न्यूट्रल FeCl3, वॉयलेट और पर्पल कलर आपको फेनॉल का मिलेगा, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द फेनॉल।